नमस्कार दोस्तों, मैं अंत कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा की केयर कैसे की जाती है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मेरे एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर है। मेरे एक व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज़ बताइए एलोवेरा की केयर कैसे की जाती है। दोस्तों पहली बात तो जो एलोवेरा की केयर है, अगर आप नहीं करते तभी बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन अगर हम इसकी केयर करते तो ज़्यादा अच्छे से चलता है, ठीक है। अगर हम इसकी केयर नहीं करते तो इसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं और इनकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होती है। अगर हम इसकी केयर करते हैं तो इसके जो पौधे की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है और इसके पत्ते भी बहुत हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं। तो इसकी केयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए हमें जो मिट्टी तैयार करनी है वो अलग तरीके से तैयार करनी है। हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो पौधा हमको कहाँ रखना है, इंडोर रखना है कि आउटडोर रखना है। अगर हमें इंडोर रखना है तो उसकी अलग तरीके से मिट्टी तैयार होगी, अगर हमको आउटडोर रखना है तो उसकी भी जो मिट्टी है वो अलग तरीके से तैयार होगी। अगर आपको अपनी एलोवेरा पौधे को आउटडोर रखना है मतलब बाहर लगाना है तो, और वो भी गमले में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको खेत की उपजाऊ मिट्टी मिल रही है तो जो जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो दो हिस्से आपको मिट्टी के लेना है, एक हिस्सा आपको रेत का लेना है और एक हिस्सा आपको कोकोपीट का लेना है। अगर आप रेतली मिट्टी ले रहे हो, बालुई मिट्टी जिसे हम कहते हैं, तो दो हिस्से आपको बालुई मिट्टी के लेने हैं, एक हिस्सा आपको कोकोपीट का लेना है और एक हिस्सा आपको गोबर की खाद का लेना है। ये तरीका मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको अपनी एलोवेरा के पौधे को बाहर रखना है, ठीक है, बाहर गमले में लगाना है। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती होगी वहाँ पे इस पौधे को ना रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इस पौधे को सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप मिलती हो, ठीक है। अगर आप इसे इंडोर रखने वाले हो, अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसकी मिट्टी को आप कैसे तैयार करोगे? दोस्तों अगर आपके पास खेत की मिट्टी है जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसको आपको एक हिस्सा मिट्टी का लेना है, दो हिस्से रेत के लेने हैं और एक हिस्सा आपको गोबर की खाद का लेना है, ठीक है। अगर आप बालुई मिट्टी ले रहे हो तो 3 हिस्से आपको मिट्टी के लेने हैं और एक हिस्सा आपको गोबर की खाद का लेना है। बस आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और गमले में डालने के बाद इस पौधे को लगा दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा और सिर्फ आप पानी देते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय सिर्फ पानी दीजिएगा, डेली पानी दीजिएगा। अगर आपका पौधा आउटडोर है तो डेली दिन में एक बार पानी दीजिएगा। अगर शाम तक आपके गमले की मिट्टी सूख गई है तो शाम को भी पानी दे दीजिएगा। अगर आप इसे इंडोर रखते हो तो जब तक इसकी मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसमें आप पानी ना दीजिएगा। अगर एक दिन में आपकी मिट्टी सूख रही है तो एक दिन के बाद पानी दीजिएगा। अगर 2 दिन के बाद इसकी मिट्टी सूख रही है तो 2 दिन के बाद इसे पानी दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि पानी इसे ताज़ा दें, नलके का हो या मोटर का हो ताज़ा पानी दें, तो आपका जो एलोवेरा का पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे इसमें फ्लावरिंग भी होगी और बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं, ठीक है। उम्मीद पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उनको क्लियर कर दूंगी, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।